everyone, this is Rahul Srivastav from Indore. Good Modi Care morning all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हमारा जो सेशन होने वाला है वो एक परिवर्तन है. What is the definition of परिवर्तन? परिवर्तन की यदि मैं बात करूं तो जीवन के वो बदलाव जो हम आने वाले समय में देखने वाले हैं या आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग इस सेशन को पहले भी अटेंड कर चुके हैं या पहली बार अटेंड करने वाले हैं. यहाँ पर इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से चंद रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन बातों को जरूर फॉलो करें जब आप इस जूम सेशन को अटेंड कर रहे हो. जैसा कि पहली बार जब मैंने भी इस सेशन को अटेंड किया था परिवर्तन को, तब मेरे सामने भी एक आप ही की तरह जैसे आपके पास एक लिंक आया है, इसी तरीके से मेरे पास भी एक लिंक आया था. बाय प्रोफेशन में टीचर हूं, तो हमेशा क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्या परिवर्तन मेरे जीवन में रह गया है जो बाकी है और मुझे यहाँ पर लेना है. तो जब मैंने पहली बार इस सेशन को देखा, समझा और जाना, तो मैंने ये पाया कि वाकई में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यदि हम आगे बढ़े तो डेफिनेटली जीवन में एक बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं. तो मैं आप सभी का इस सेशन में वेलकम करना चाहूंगा कि आप सब इस सेशन को बड़े ध्यान से अटेंड करें. जैसा कि एक जूम सेशन है और हम सभी ने देखा है कि हमें देखने वाला कोई नहीं होता है, हमारी एनर्जी हमारी बॉडी लैंग्वेज से प्रेजेंट होती है. तो मैं चाहूंगा कि आप सब जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं वो एक ऐसे कोने में, एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपके अलावा और कोई ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो. यू जस्ट फोकस ऑन दिस मीटिंग. तो आप इस मीटिंग में पूरे फोकस के साथ बैठे हैं. और मुझे नहीं पता इस सेशन में ऐसी कौन सी लाइन आने वाली है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, आपके जीवन में एक परिवर्तन ला पाए. तो आप सभी अपने साथ में एक पेन और नोटपैड जरूर रखें, क्योंकि आप जब नोट डाउन करेंगे तो ये देख पाएंगे कि आप उस चीजों को कैसे अपनी डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं. तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हम सभी के बीच आज के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं. मुझे नहीं पता कि यहाँ से क्या क्लैपिंग की आवाज आएगी कि नहीं, लेकिन वो वाहेगुरु, वो परमात्मा सबको एक नजर से देख रहा है. और मैं चाहूंगा कि आप सब अपनी जोरदार तालियों के साथ माय मेंटोर, माय गुरु, द क्राउन डायमंड डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, मिस्टर गुरप्रीत सिंह मांगड़ सर को बहुत शानदार तालियों के साथ इनवाइट करेंगे. सो ओवर टू गुरप्रीत सिंह मांगड़ सर. थैंक यू राहुल जी. मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर है आवाज. ओके. बोर्ड क्लियर है? यस सर, क्लियर. थैंक यू सो मच. पहले तो राहुल जी का बहुत बहुत थैंक्स. उन्होंने बहुत बढ़िया परिवर्तन के बारे में बताया. और मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ. मेरा नाम गुरप्रीत सिंह मांगट है. बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ. और आज से तकरीबन 6 साल पहले हमने मोदी केयर शुरू किया था. और मोदी केयर सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि किसी ने बताया था कि इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप एक बार यूज करके देखो. और प्रोडक्ट्स यूज किए और उसकी क्वालिटी सच में बहुत बेटर लगी. फिर इसको हमने देखा, इंटरनेट पे देखा कि मोदी केयर अपॉर्चुनिटी क्या है. देन मेरे मेंटर जो है गुरमेल सिंह संधू जी, उनको मैंने फिर कॉल किया कि आप आइए. उन्होंने मुझे सारा बताया इस मोदी केयर के बारे में. और उन्होंने कहा कि ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये एक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट है. आप नेटवर्क खड़ा करोगे तो आप इसमें लाखों रुपया कमा सकते हो. तो वो चीज़ की कहीं ना कहीं क्लिक हुई और मैंने उनसे ये कमिटमेंट की कि चलो ठीक है गुरमेल जी, अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से समझते हो. मैं बहुत न्यू हूँ, मेरी ये फर्स्ट कंपनी है मोदी केयर. मैंने इससे पहले कोई नेटवर्किंग कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं की. तो मैंने उनसे यही कहा कि चलो मैं 1 साल करके देखूंगा, क्योंकि इससे पहले जॉब के साथ हम एक और बिजनेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी करते थे. तो उसमें भी ये चीज तो क्लियर थी कि कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें 6 महीने या साल आपको देना पड़ता है, फिर आपको पता लगता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है, इसको लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है कि नहीं करना.
तो वो चीज मुझे क्लियर थी, मैंने गुरमेल जी से ये कमिटमेंट की कि चलो एक साल मैं करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे हम कहां पर हैं। तो एग्जैक्टली तीसरे और चौथे महीने का जो चेक था वो 25,000 क्रॉस कर गया था मेरा मोदी गेट। तो एक बहुत ज्यादा होप मिलती है अंदर से जब पैसा आता है ना। आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कोई भी आप किसी पर्सनैलिटी को मिल लो, कोई भी बड़ा सेमिनार अटेंड करो, उसकी मोटिवेशन मैं कहता हूँ कि 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। पर अगर आपको पैसा आ रहा है ना किसी बिजनेस से, आपको किसी चीज से पैसा आ रहा है, तो आप उसको कभी नहीं छोड़ोगे, आप उसके बारे में और जानना चाहोगे, उसमें और वर्क करना चाहोगे। तो मेरी मोटिवेशन वो पैसे ने बना दी कि हाँ भाई इससे में पैसा आता है। तो ये जो पैसा था ना वो मुझे इसमें इतना स्ट्रांगली बॉन्डेज दे गया कि आज 6 साल हो गए हैं मोदी केयर में। आज मोदी केयर ने इतना कुछ दे दिया है, 2 गाड़ियां अचीव कर चुका हूँ मैं, अप्रोक्सीमेटली 5-6 फॉरेन ट्रिप्स ले चुका हूँ मोदी केयर से। तो कभी सोचा नहीं था कि ये लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी। ये ऐसा बिजनेस है जो आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। तो आज जो मेरा सेशन है ये प्रवर्तन सेशन ही है। तो जो भी लोग आज, मैं अपने दिल से कहता हूँ कि जो अपनी लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं, तो आने वाला जो 20-30 मिनट की प्रेजेंटेशन होगी उसको आप बहुत अच्छे से सुनना, ये आपकी लाइफ में चेंज ला सकती है। देखिए सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप मतलब जाना चाहूंगा इस बिजनेस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि मोदी केयर क्या है, मोदी केयर आपके लिए क्या कर सकता है, मोदी केयर में आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। ये 3 चीजें ही हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोदी केयर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मोदी केयर है क्या। मोदी केयर मोदी ग्रुप का एक पार्ट है, जिसके मतलब मोदी ग्रुप आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। मोदी ग्रुप जिसमें मोदी कॉन्टिनेंटल टायर, मोदी गार्ड का शीशा, गॉडफेयर फिलिप आपने सुना होगा, जिसके आपकी क्वेंडर फोर्स के रेड नोट सिगरेट की ब्रांड्स आते हैं, देन फंडा बोली एक टॉफी आती है, देन टी सी टी चाय पत्ती आती है। जो लेडीज हैं हमारे साथ जो न्यू हैं, जिनको नहीं पता, वो आपने कलर बार कॉस्मेटिक का नाम सुना होगा, मतलब इंडिया की वो 2nd लार्जेस्ट कंपनी है कॉस्मेटिक की, वो भी मोदी ग्रुप की है। देन इंडोफिल पेस्टिसाइड्स की कंपनी है, एशिया की 2nd लार्जेस्ट कंपनी पेस्टिसाइड्स। जो लोग खेती बाड़ी से रिलेटेड होंगे, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगी, उनको पता होगा कि M45 का क्या नाम है। वो M45 का एक प्रोडक्ट है, वो जो इंडोफिल है उसका क्या नाम है। तो ये बहुत रिनाउंड घराना है, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब इंडिया में कुछ ऐसे बिजनेस हाउसेज हैं जिनके सर पे गवर्नमेंट्स चलती हैं, उसमें मोदी ग्रुप एक नाम है, जिनका 60-70 हजार करोड़ का अंपायर है। उसमें से उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया था 1996 में, उसका नाम लिया मोदी केयर। ये मोदी केयर की, अगर मैं 2-4 बार मिल चुका हूँ सुधीर मोदी जी से, और उनकी ये ड्रीम कंपनी है मोदी केयर। वो कहते हैं कि ये मैंने प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई, ये लोगों के लिए बनाई है। तो आज वो क्लियर हो जाएगा कि ये आपके लिए है बिजनेस। इतने बड़े घराने ने, इतने बड़े बिजनेस हाउस ने ये बिजनेस की शेप अप ऐसे किया है कि आप इसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट बहुत पैसा कमा सकते हो। सो अगर आप रेडी हो तो चलते हैं, इसके बारे में नॉलेज लेते हैं। सो वेलकम यू ऑल। सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखिए ये कंज्यूमर है और ये फैक्ट्री है। कोई भी चीज जो कंज्यूमर बाय करता है वो फैक्ट्री में बनती है, पर ये फैक्ट्री तक कोई भी लेने नहीं जाता, ये एक मार्केट के थ्रू आती है, जिसमें रिटेलर, होलसेलर, CFN एजेंट्स और जॉबर पे एडवर्टाइजर्स लगते हैं। ये प्रोसेस है फैक्ट्री का सामान कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। जो भी चीज 2-3 रुपए की बनती है वो कस्टमर तक 10 रुपए में बनती है, मिलती है। इसमें 60-70% मार्जिन जो है वो रिटेलर का होता है, होलसेलर का होता है, CFN एजेंट का, जॉब का, एडवर्टाइजर का होता है। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स वाले, जैसे शाहरुख खान हो गया, धोनी है, धोनी कहता है मैं ये बाइक चलाता हूँ। तो कभी आपने इमेजिन किया है कि वो धोनी बाइक चलाता होगा? तो वो लोग बेसिकली एडवर्टाइज करते हैं, और सेलिब्रिटीज की जो बात
कहते हैं वो हम मानते हैं। सिंपली मैं एक ये इस मार्कर की एग्जांपल देता हूँ कि ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी फैक्ट्री में वो 2-3 रुपए ही होगी, पर जब आप इसको परचेज करोगे 10 रुपए या 20 रुपए जितने का भी आता है वो उसमें मिलेगा। पर आपने कभी सोचा है जैसा ये फैक्ट्री में बना है वैसा ही आप तक पहुंचा है, पर इसकी कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसको किसी ऐड करने वाले ने टीवी पे ऐड किया, इसके होर्डिंग्स लगाए दुकानों पे, इसको ऐड करने में काफी पैसा खर्च हुआ, देन होलसेलर्स सीएफ एंड एजेंट्स उनका भी मार्जिन था 1 रुपया 2 रुपए, पर इसकी कॉस्ट अगर सारी कर ली जाए तो 60-70% मार्जिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ऐड होके आप तक ये पहुंचा। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहती है? सिंपल है कि आप सब इन लोगों को आप बीच में निकाल दो और आपको फैक्ट्री के साथ सीधा जोड़ दिया जाएगा, और जो 60-70% पैसा इन लोगों को आप देते हो वो आप बचा सकते हो जस्ट अपनी शॉप चेंज करके। देखिए मोदी केयर आपको वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है जो ऑलरेडी आप घर में यूज कर रहे हो, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आप यूज करना चाहते हो, हाँ हम बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट लेके जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को वो प्रोडक्ट्स दें जिनसे उनकी सेहत अच्छी हो, और मोदी केयर आपको वो क्वालिटी की इंश्योरेंस देता है विद मनी बैक सेटिस्फेक्शन गारंटी कि आपको अगर पसंद ना आए तो प्रोडक्ट आप वापस कर सकते हो। उसके साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जोड़ देता है कि ये जो पैसा आप इन लोगों को दे सकते हो वो जस्ट कंज्यूमर बन के आप इसका कुछ ना कुछ पोर्शन बचा सकते हो। पर अगर आप यही काम अपने दोस्त मित्र जो भी हैं उनको भी इस फैक्ट्री के साथ जोड़ते हो तो आप ये सारा का सारा पैसा जो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है इस सारा का सारा पैसा अर्न कर सकते हो। जस्ट आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है। देखिए कई बार लोग जो भी नए आते हैं वो कहते हैं कि हम कैसे बिजनेस करें, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बिजनेस जो है इसमें आपने देखना है नहीं है कि आपको कितने पैसे आ रहे हैं फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, आपने सिर्फ फोकस करना है अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। अगर आपके नेटवर्क क्रिएट कर लिया तो जो प्रोडक्ट का बीवी पीवी जो भी सामान मतलब जिस जो वॉल्यूम है वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो आना ही आना है। आपने फोकस करना है नेटवर्क, इसको क्रिएट करने में फोकस करना है। अगर आपने ये क्रिएट कर दिया उन सभी को मोदी केयर की शॉप से जोड़ दिया पैसा तो 101% आपको आना ही आना है, उसमें कोई भी मतलब झूठ नहीं है, वो मैं आपको लिखती गारंटी दे सकता हूँ। अगर कोई भी बंदा इस नेटवर्क को अच्छे से बिल्ड कर ले तो पैसा अच्छे से आता है। और हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि मोदी के साथ लोग जुड़ेंगे क्यों, उसकी बात करते हैं कि क्यों जुड़ेंगे। देखिए सबसे पहले कोई भी जो बंदा जुड़ता है वो क्वालिटी को देखता है मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप यूट्यूब खोल लो, आप गूगल पे सर्च कर लो, आपको आपको हंड्रेड्स ऑफ डेमोज मिल जाएंगी मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की। तो ये हमारी इंश्योरेंस है, आप उसको चेक कर सकते हो कि कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको डेमो अपने घर में कर सकते हो, लोगों को करके बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट्स कितने अच्छे। दूसरी चीज आती है कि आपको मोदी केयर से जुड़ने के बेनिफिट क्या होंगे, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इधर हम लिखते हैं मोदी केयर और इधर लिखते हैं मार्केट। सिंपल सी बात है, अगर आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो आपको मिलता है एमआरपी पे, पर अगर आप मोदी केयर से ले रहे हो तो एमआरपी से आपको लेस मिलेगा, कितना 10-20%। सेकंड, मार्केट में कभी आप जब प्रोडक्ट लेते हो कोई ऑफर मिली है, बहुत लिमिटेड ऑफर होती है, आपको ऑफर नहीं मिलती। 10 किलो आपने कोई डिटर्जेंट खरीद लिया तो आपको बकेट मिल जाएगी, एक बड़े शैम्पू के साथ एक छोटा पाउच मिल जाएगा, पर मोदी केयर आपको हर मंथ 10% की ऑफर देता है कि अब अगर आप 1000 का परचेज करते हो तो 100 के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 2000 का परचेज करते हो 200 का प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, 3000 का परचेज करते हो 300 के, और 5000 का परचेज करते हो तो 500 के प्रोडक्ट आपको हर बार फ्री मिलते हैं। तो थर्ड क्या है, कैशबैक। मैं तो अपने घर के लिए सामान लाता रहा हूँ मोदी केयर से पहले, तो मुझे तो कभी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया,
सही है कि नहीं सही, मेरे बात से काफी लोग सेटिस्फाइड होंगे। पर अगर हम मोदी केयर से लेते हैं तो आपके अकाउंट में कैशबैक आएगा 7-16% तो आएगा ही आएगा जो आप परचेज करते, पर अगर आपने नेटवर्क क्रिएट किया तो हो सकता है आपके अकाउंट में 5,000 भी आए, हो सकता है आपके अकाउंट में 50,000 भी आए, तो हो सकता है आपके अकाउंट में 5,00,000 भी आ सकता है। क्योंकि इस मीटिंग में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो लाखों रुपया इस मोदी केयर में जस्ट अपना नेटवर्क बना के कमा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई मोदी केयर से प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स अगर आप खुद परचेज करोगे उस पॉइंट्स पे आपको कुछ ना कुछ कैशबैक आएगा, वो 7-16% बनता है। अगर आप अपना नेटवर्क बनाओगे तो उसमें जितना वॉल्यूम क्रिएट होगा उसमें भी अगर आप मतलब वॉल्यूम से भी आपको कैशबैक आएगा। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, आपके ग्रुप में 1,00,000 पेस्ट ही बिक रही है मान लीजिए, उसमें आपको 50 पैसे ही आ रहे हैं, तो हो गया ना कि आपको 50,000 आना शुरू हो गया। सिंपल सी बात है, यही है कि अगर नेटवर्क में इतना वॉल्यूम है कि आपके लाखों के प्रोडक्ट्स मूव हो रहे हैं तो आप लाखों में ही कमाना शुरू कर दोगे। और जो फोर्थ इसका बेनिफिट है वो मैं इसको रब करके अच्छे से बताऊंगा, वो हमारा है लॉयल्टी बेनिफिट। मार्केट में लॉयल्टी वर्ड नहीं है पर मोदी के आपको लॉयल्टी देता है। लॉयल्टी होता क्या है कि हम जब लॉयल कस्टमर बनते हैं किसी भी बिजनेस के, किसी भी मार्केट के, किसी भी दुकान के लॉयल कस्टमर बनते हैं। अगर आप किसी भी दुकान के लॉयल कस्टमर हो ऑलरेडी, पर आपको कभी उसने फ्री सामान कोई नहीं दिया, पर अगर मोदी के आप लॉयल कस्टमर हो और मोदी के से हर महीने मिनिमम 2500 का सामान लगातार 6 महीने लेते हो तो 7th month आपको इसकी एवरेज का फ्री मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 2500 का सामान आपको फ्री मिल जाएगा, ये एवरेज निकलनी है। अगर आप 3000 का लोगे तो 3000 का फ्री होगा, अगर 5000 का लोगे तो 5000 का फ्री होगा। और यही लॉयल्टी अगर हम 12 महीने के लिए करते हैं तो आपको एक तो 7th month 6 महीने कंप्लीट होने के बाद मिलेगा फ्री, और 12 महीने खत्म होने के बाद जो 13 महीना आएगा उसमें आपको 2 बार फ्री मिलेगा, एक बार 6 महीने जो आपने 7th से 12th month तक किया है उसका, और 1 साल की एवरेज का फिर फ्री मिलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 साल में आपको 7500 का सामान फ्री मिल गया अगर आप हर महीने 2500 का ही सामान लेते हो। इसकी अगर कैलकुलेशन की जाए, अगर आप 6 महीने फ्री लोगे तो 16.6% का बेनिफिट है कि आपका जो भी डीपी प्राइस है। डीपी प्राइस क्या होता है? डीपी प्राइस क्या होता है? एक तो एमआरपी है, हमने बताया आपको 10-20% लेस मिलेगा, वो आपका डीपी प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस। जब आप आईडी लगा देते हो, आईडी जो है हमारी वो क्या है? फ्री। आईडी की कोई कॉस्ट नहीं है। अच्छा, ये चीज जो है ना, ये मुझे सबसे अच्छी लगी थी कि आप किसी की रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कोई भी उससे पैसा नहीं लेना पड़ेगा, और मैं तो कई लोगों की रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। ये मेरे में कॉन्फिडेंस था कि अगर फ्री लगाना है तो फ्री की तो कोई इच्छा ही नहीं है। अगर किसी का मन करेगा तो 1000 का सामान ले लेगा, अगर किसी का मन करेगा तो 5000 का ले लेगा। सिंपल सी बात है, आईडी फ्री इसलिए है मोदी केयर में कि आपको कोई भी किसी भी पर्सन से बात करने में कोई हिचकिचाहट ना आए। मैं तो पहले ही बता देता हूँ, किसी के घर में जाके या किसी से बात करता हूँ तो मोदी केयर की रजिस्ट्रेशन फ्री है भाई। सो वो लोग ना ओपन माइंड हो जाते हैं बात सुनने के लिए। कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं कि हाँ भी इसने अभी कोई बिजनेस मेरे साथ डिस्कस करना है तो मेरे से पैसे मांगेगा, तो ये चीज बिल्कुल मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मोदी केयर में ज्वाइन करने का कोई भी पैसा नहीं लगता। तो आईडी फ्री है, जो भी डीपी प्राइस होगा उससे आपको 16.6% बेनिफिट होगा अगर आपने 6 महीने लॉयल्टी की है। तो अगर आपने 12 महीने लॉयल्टी किया है तो आपको 25% और लेस हो गया। कोई भी सामान मोदी केयर में जितना भी सामान है वो 25% लेस हो गया। सिंपल सी बात है, एक पेस्ट जो हमारी 62 रुपीज की आती है वो लॉयल्टी के बाद आपको 38 रुपीज में पड़ेगी, कि आपका पॉकेट का जो पैसा है ना, जो आप माधुरी दीक्षित या सेलिब्रिटीज कोई भी हैं अमिताभ बच्चन धोनी उनको दे रहे हो, वो पैसा आपकी पॉकेट में बच रहा है। जो दुकानदार आपसे ले रहा है, जो होलसेलर आपसे ले रहा है, सिंपल सी बात है, अपना पैसा अपनी जेब में डालना।
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आपने वही सामान जो आप मार्केट से लेके आ रहे हो वो सामान अब मोदी केयर से लेना है। तो इसमें ये समझदारी की बात है, कई बार कहते हैं ना लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है, समझदार बनाना मुश्किल बात होती है। जो टीवी है ना वो आपको रोज बताता है ये जर्म्स क्लीन कर दिए, ये कर दिया है, इससे दाग अच्छे हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, सिंपल सी बात है। और जो मोदी केयर है वो आपको एक टेक्निकली आपको सारी कैलकुलेशन के साथ समझा रहा है कि अगर मोदी केयर की शॉप के साथ जुड़ते हो तो आपका ये बेनिफिट है। तो आज जितने भी इस मीटिंग में समझदार लोग हैं ना वो इस चीज को फॉलो करेंगे, मुझे ये पता है कि वो अपनी कैलकुलेशन लगाएंगे कि हाँ भी मोदी केयर के साथ जुड़ने का ये फायदा है। हमें कोई भी प्रोडक्ट जो मोदी केयर से मिलता है वो अगर हम लॉयल्टी करेंगे तो 25% तो लॉयल्टी में बेनिफिट आ गया। और जब हम इसको इसकी जो MRP के साथ डिस्काउंट मिलता है, 10% के साथ ऑफर मिलता है, तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे मैंने 38 रुपए निकाला, 30-40% उसको उसकी कॉस्ट बहुत लेस पड़ेगी। और अब मुझे बताइए कि हमें मार्केट से लेना चाहिए कि मोदी केयर से लेना चाहिए? नो डाउट मोदी केयर से ही लेना चाहिए क्योंकि इतने बेनिफिट्स हैं। तो ये बेनिफिट्स हमने लोगों को समझाने हैं, सिंपल है कि आपने उनको बताना है हमारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है और मार्केट से आपको बहुत सस्ता पड़ता है। और ये काम कोई डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सोना बेच रहे हो और सोने की क्वालिटी जो है वो सोना खुद ही बयान करता है। सिंपल सी बात है, आपने उनकी शॉप चेंज करनी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं, ये जो मैंने अभी तक बताया सारा कुछ ये मोदी केयर का सिर्फ 5% है। अब बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ये सिर्फ 5% मैंने मोदी केयर को बयान किया है, मोदी केयर क्या है, मोदी केयर हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये 5% है। और जो 95% है मोदी केयर के बारे में वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा था शुरू में कि मोदी केयर क्या है, हमें मोदी केयर से क्यों जुड़ना चाहिए और मोदी केयर का बिजनेस क्यों करना चाहिए, मोदी केयर का बिजनेस क्यों करना चाहिए। अब हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं, ये 95% बात है मोदी केयर का। इसको अगर आप समझ गए तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है कि हमने मोदी केयर को बिल्ड क्यों करना है, व्हाई मोदी केयर, हमने मोदी केयर बिल्ड क्यों करना है। देखिए सबसे पहली बात मनी, पैसा किस किस को चाहिए, सबको चाहिए। मतलब कुछ लोग थोड़े पैसे के पीछे भागते हैं, कुछ ज्यादा के पीछे भागते हैं। और अगर हम रियलिटी बात करें ना, बड़े लोग होंगे जो मेरी बात से सेटिस्फाइड होंगे इसमें कि देखिए हम कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी हमारा बिजनेस है, हम किस लिए कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या है, पैसा। देखिए होता क्या है, ये हमारे ड्रीम्स हैं। जब हम छोटे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, तो ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। पर होता क्या है, जब हम एक्चुअल अपनी जॉब में आते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो हमारी इनकम जो होती है वो ये होती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता, मुझे आपका नहीं पता, इनकम ये होती है। तो ये ड्रीम्स जो है ना, ये इसके साथ मैच नहीं कर पाते। आपका ड्रीम है कि आपने BMW लेनी है, पर इनकम आपकी जो है वो 50,000 मंथली है, तो उसकी तो जो मंथली जो आपकी EMI बनेगी, आपने BMW लेनी है तो वो तो 70,000 बनेगी, तो वो मैच कैसे होगी। आप सारी उम्र कमाई करोगे तो उनको ही लोगे, सिर्फ एक ड्रीम के लिए लोग, नहीं ऐसा नहीं होता। तो कुछ लोग होते हैं वो अपने ड्रीम्स को छोटा कर लेते हैं कि हाँ भी गाड़ी चाहिए कोई बात नहीं, आल्टो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं जो अपनी इनकम को बड़ा करते हैं, इसको इस पे फोकस करते हैं। तो आज हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि आप मोदी केयर के साथ जुड़ के अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, मैं भी जॉब कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, वो आपकी प्रायोरिटी, आपके घर वो चल रहा है।
पर अगर हम मोदी केयर आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिसमें आप एक से दो घंटा लगा के एक दिन में अपनी जॉब के साथ अपने बिजनेस के साथ एक ह्यूज इनकम खड़ी कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, जिसमें कोई लॉस नहीं है, जिसमें कोई बॉस नहीं है, आपका मन करे जब मर्जी कर सकते हो, तो ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आज के टाइम पे ना आप करोड़ों रुपए लगा के लाख रुपया कमाते हो, पर अगर मैं आपको करोड़ों भी दूं कि ये मुझे एक करोड़ रुपया ले लो, मुझे हर महीने का 2 लाख रुपया चाहिए, तो इज इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि उसमें रिस्क है। उसमें बिजनेस में हमेशा ये इफ एंड बट्स रहते हैं कि हाँ बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, पर मोदी केयर है इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका रिस्क नहीं है। आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी इनकम विदाउट इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी इनकम खड़ी कर सकते हो, जिसके साथ आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। ड्रीम्स कौन से? आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको घूमने के लिए जाना है, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे लोकेलिटी में मूव करना चाहते हो, आपके बच्चों के स्कूल चेंज हो सकते हैं। देखिए मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि अगर आपकी 10,000 से 15,000 भी इनकम बढ़ जाए ना, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने शुरू होते हैं। आपके स्कूल, बच्चों के स्कूल चेंज हो जाते हैं, आपका कपड़े चेंज हो जाते हैं, आपकी गाड़ी चेंज हो सकती है, ये चीजें सारी मैटर करती हैं। और मोदी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऐसे देता है, अगर आप इसको 6 से 12 महीने करते हो तो 25 से 50 हजार इनकम आप मिनिमम इस मोदी केयर से आप खड़ा कर सकते हो। अगर आप 2 से 3 साल इसको लेके चलते हो तो आप 3 से 4 लाख भी इसमें कमा सकते हो। ये इसकी अपॉर्चुनिटी है और बहुत लोगों ने प्रूव किया है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं 5 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। मैं ये टाइम पीरियड लिखा है 6 महीने या 2 या 3 महीने, 2 या 3 साल। ये लोगों को कई बार ना अटपटा लगता है कि जो इंडियन के लोगों की मेंटेलिटी है ना वो बहुत जल्दी है कि हम बड़ी जल्दी पैसा कमा रहे। देखिए 5 तरह के लोग होते हैं, ये एज पर उनकी मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ, उनका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अगर एक स्टोरी सुनाता हूँ कि अगर आप सारी दुनिया का पैसा इकट्ठा करके ना सभी लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ना, तो एग्जैक्टली 1 साल बाद आप देख लेना, जो अमीर था वो अमीर हो जाएगा, वो जो गरीब था वो गरीब हो जाएगा। क्यों ऐसा होता? क्यों है? होता इसलिए है कि जो पैसे की समझ है ना वो आपके माइंड से चलती है, वो आपके मेंटेलिटी पे डिपेंड करती है कि आपने पैसा बनाना है या गंवाना है। तो ये एज पर योर माइंडसेट मैं लोगों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी पुअर जो होते हैं, वेरी पुअर लोग, देन बहुत पुअर, देन मिडिल क्लास, देन रिच एंड देन रॉयल। जो वेरी पुअर होते हैं ना उन्होंने सिर्फ तो सिर्फ सोचना होता है एक टाइम का खाने का, ठीक है? वो कमाते हैं जस्ट लाइक बैगर्स, ठीक है? वो बैगर्स एक एक टाइम का सोचते हैं कि इस टाइम आपको खाना मिल गया बस ओके, नेक्स्ट टाइम आप देखी जाएगी। जो पुअर होते हैं वो एक हफ्ते का या एक दिन का सोचते हैं, उसके अलावा जस्ट लाइक जो डेली वेजेस पे होते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, वो सोचते हैं। देन मिडिल क्लास एक महीने का सोचता है, वो सोचता है इस महीने इतनी ईएमआई चले जाएगी, इतने बच्चों की फीस है, इतने घर का खर्चा है, दैट्स इट। उसके अलावा उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती घर में। देन रिच लोग वो 1 से 2 साल की अपनी प्लानिंग लेके चलते हैं कि आज से हमने ये काम करना है, और 1 से 2 साल की प्लानिंग लेते हैं। और जो लास्ट में आते हैं रॉयल, वो कम से कम 5 साल या 10 साल की प्लानिंग लेके चलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स बहुत हैं, आप नेट पे पढ़ सकते हो कि जो लोगों ने आज बिजनेस एस्टेब्लिश किया है उसका उन्होंने इनिशिएटिव कब लिया था, आज से 5 साल या 10 साल पहले लिया था इनिशिएटिव, और उसको उन्होंने उनको उनका विजन क्लियर था कि 5 से 10 साल बाद हमने कहां पर पहुंचना है, और उसको अब उन्होंने टारगेट किया। देखिए हम इन लोगों दोनों लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने 2 या 3 साल की प्लानिंग की है या 5 से 10 साल प्लानिंग की है, पर उसकी शुरुआत उन्होंने आज की। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो आपने 2 से 3 साल की प्लानिंग अपने लिए करनी है, पर बेशर्त ये है कि आपने उसकी शुरुआत आज कर। तो ये बिजनेस ऐसा है कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करें तो कम से कम 1 साल तो इसको जरूर दीजिए।
यू विल गेट द रिजल्ट्स, कि आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये मोदी केयर बिजनेस आपकी लाइफ में क्या चेंजेस कर सकता है। सो पहला पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूँ कि ये मोदी केयर जो बिजनेस है इसमें आप पैसा इतना कमा सकते हो कि आप अपने ड्रीम्स सारे पूरे कर सकते हो। सेकंड जो है वो हम बात करते हैं नेचर ऑफ इनकम। देखिए नेचर ऑफ इनकम क्या है, फर्स्ट हम कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव इनकम। देखिए दो तरह की इनकम है, एक एक्टिव है और एक पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम क्या है कि आप टाइम लगा रहे हो और पैसा बन रहा है, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स वो जॉब करते हैं, अपनी शॉप पे जाते हैं, वो बिजनेस करते हैं, टाइम देते हैं तो पैसा आता है, वो शॉप का शटर खोलते हैं तो पैसा आता है, वो अपनी जॉब पे जाते हैं वहां टाइम लगाते हैं, कोई अगर उनका कोई प्रोफेशनल स्किल्स है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, वो अपना प्रैक्टिस करते हैं तो पैसा बनता है। पर अगर ये टाइम जीरो हो जाए तो क्या पैसा बनेगा? नहीं, कोई पैसा नहीं बनेगा। तो इस इनकम को कहते हैं एक्टिव इनकम, कि आपकी प्रेजेंस उस जॉब में टाइम देना, उस बिजनेस में टाइम देना आपको जरूरी है। और दूसरी इनकम होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है कि आप एक बार उस चीज को एस्टेब्लिश कर लो और पैसा आता रहे। जस्ट लाइक आपने कोई मॉल बना लिया, उसको रेंट पे दे दिया, तो आपको वो उसमें आप जाओ या ना जाओ आपको पैसा आता रहेगा। तो पर उस मॉल को बनाने के लिए कितने करोड़ों रुपए चाहिए, पर मोदी के आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आपने एक नेटवर्क क्रिएट करना है जिसमें आपने यूजर्स क्रिएट कर लिए, हजारों यूजर्स क्रिएट कर लिए, वो अपने घर के लिए सामान लाएंगे, आपको पैसा आएगा। आपने कुछ जैसे अप्रोक्सीमेटली मैं अपने नेटवर्क की बात करता हूँ, 8000 लोग मेरे नेटवर्क में हैं। अगर इसमें 100 लोग ही एक्टिव हैं जो मोदी के बिल्ड करते हैं, 2 घंटे ही इसमें काम करते हैं, सिर्फ 2 घंटे एक दिन के लिए, तो मेरे लिए एक दिन कितने आवर्स का हो गया? 200 आवर्स। इसमें अपना मैं 2 घंटे लगाऊं या ना लगाऊं मेरा पैसा आता रहेगा। दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। ये मोदी केयर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, और ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अपने लाइफ में, कि अगर खुदा ना खास्ता आप अपने बिजनेस में एक्टिव जो आप काम कर रहे हो उसमें टाइम दे पा रहे या नहीं दे पा रहे, आपको पैसा आता रहेगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी और क्या नेचर है। दिस इज ऑन गोइंग। देखिए आज आप जॉब कर रहे हो, आप कोई डॉक्टर हो, तो आप अपने बच्चों को वो प्रोफेशन नहीं दे सकते। वो आपका बच्चा है वो डॉक्टरी करेगा, MBBS करेगा तो फिर ही आपकी जगह ले पाएगा, MD करेगा फिर ही आपको प्रैक्टिस कर पाएगा अच्छे से। तो बच्चे को उतनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, कोई भी जनरेशन टू जनरेशन वो बिजनेस या कोई भी काम आगे नहीं दिया जाएगा। पर अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो मान लीजिए कि आप जब भी इस दुनिया से जाओगे, जो भी आपने नेटवर्क बनाया है, जो भी आपने बिजनेस बिल्ड किया है, वो ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाएगा। मान लीजिए आज आप 5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो वो 5 लाख रुपए एज इट इज ही आपके नेक्स्ट जनरेशन को मूव हो जाएगा, वो ऑन गोइंग है। ये देखिए आज आप अपने लिए शुरू करोगे इस बिजनेस को, अपने ड्रीम्स के लिए इसको बिल्ड करना शुरू करोगे, पर ये एक ऐसा बिजनेस है कि आपके ड्रीम्स तो पूरे होंगे ही होंगे, आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिक्योर करेगा, उनको जॉब की लाइन में या उनको अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों को ये कह सकते हो कि जो मर्जी कर बेटा, जो तेरे मन में है, वो स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, वो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो कर सकता है। ये आप नहीं कहोगे कि हाँ भी बेटा इंजीनियर बन या डॉक्टर बन, ये आप उनकी लाइफ में ये फ्रीडम दे सकते हो कि आप उनको क्या करवाना चाहते हैं, ये ऑन गोइंग है। देन आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। आप एक बार इसमें आपने टाइम लगा लिया, तो मैंने पहले ही बताया कि टाइम आपको देने की जरूरत नहीं, आप अपनी मर्जी से जाग सकते हो, अपनी मर्जी से सो सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है आपकी लाइफ को स्वर्ग बना देता है।
ये नेचर ऑफ इनकम है। अब बताइए कि ये जो चीजें हैं ये किसी और बिजनेस में है नहीं है, बिल्कुल ठीक है जी। और नेक्स्ट चलते हैं, और इसमें क्या है, थर्ड क्या है, टूर, घूमना फिरना बहुत सारे लोगों को पसंद है, पर हाँ कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम है पर पैसा नहीं है, वो भी घूमने नहीं जा सकते क्योंकि पैसा जरूरी है। कई लोगों के पास टाइम नहीं है पर पैसा है, वो भी घूमने नहीं जा सकते। कुछ लोगों के पास टाइम भी नहीं है और पैसा भी नहीं है, और मोदी गैर आपको टाइम के साथ साथ पैसा भी दे रहा है क्योंकि मैंने टाइम फ्रीडम बताया है। तो ये और इसके साथ बहुत सारी, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं मोदी गैर के साथ दुबई घूम चुका हूं, थाईलैंड बैंकॉक घूम चुका हूं, सिंगापुर घूम चुका हूं, मलेशिया घूम चुका हूं, अगर ये कोविड ना होता तो मकाओ जा रहे थे हम लास्ट ईयर, कि मोदी गैर ने इतने टूर जो इंटरनेशनल टूर देन डोमेस्टिक तो हमने पता नहीं कितने लगा दिए। तो ये चीजें हैं जिसमें 5-6 मैंने फॉरेन टूर ले चुका हूँ मोदी गैर से और कितने डोमेस्टिक टूर ले चुका हूँ, कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप मोदी गैर बिल्ड करोगे, टूर तो अपने आप ही आते चलते रहेंगे। और ये वर्ल्ड क्लास टूर होते हैं, मतलब ऐसे टूर होते हैं जिसमें जो वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस है उनकी जो एयर होस्टेस है उन्होंने मोदी केयर के मतलब वो बैनर पकड़े थे, आपका वेलकम कर रहे थे, और जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो जो उसका पायलट है वो आपको कहता है कि वेलकम मोदी केयर टीम, तो आप वो फीलिंग्स बयान नहीं कर सकते कि वो फीलिंग्स क्या थी। तो टूर है, देन आपका फोर्थ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अगर आप मोदी केयर में आओगे तो अच्छे लोगों की संगत मिलेगी आपको, बहुत बहुत अच्छे लोगों की संगत। मैं इस चीज से बिलीव करता हूं कि आपकी जो सोच है ना वही आपको आगे मतलब लेके जाती है। अगर आपकी कंपनी कुछ अच्छे लोगों के साथ है, अगर वो आगे अपनी लाइफ में अग्रेसिव है, आप अपनी तरक्की चाह रहे हैं, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर आप उनकी कंपनी में तो आप भी खुद बढ़ जाओगे, तो आपको उन लोगों की कंपनी मिलेगी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो ये जो चीज है आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चीज लेके आएगी जिससे आप बहुत आगे जा सकते हो। देन फिफ्थ है रिकॉग्निशन, इसमें आपको आप कुछ भी अचीव करोगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, लाखों लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक हमारा वो मैगजीन आता है जिसमें आपकी फोटो आती है, लाखों लोग आपको जानते हैं, वो आपको मेंटर समझते हैं कि आपने इस बिजनेस में आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया है, हमने भी आपको फॉलो करना है। तो ये जो चीजें हैं ना ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, इसके लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना कि जो गाड़ी है आप कीमती से कीमती गाड़ी ले लो पर वो उड़ नहीं सकती, उड़ने के लिए एरोप्लेन ही बना है। तो ये बिजनेस जो है ना ये अलग मॉडल का बिजनेस है, ये उड़ने के लिए बना, ये दौड़ने के लिए नहीं बना, सड़क पे चलने के लिए बना। ये सारी चीजें जो मैंने अब तक बताई है किसी और बिजनेस में जॉब में आपको नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू क्लियर योर व्हाई कि आपने इस बिजनेस को किसके लिए करना है, मनी के लिए करना है, इसकी जो नेचर है उसके लिए करना है, घूमने फिरने के लिए करना है, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए करना है, या रिकॉग्निशन फेम आपको चाहिए उसके लिए करना है। सो आपने एक वाई क्लियर करनी है कि आपने इस बिजनेस को करना क्यों है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि अगर आपकी आपके ड्रीम्स हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो, तो ये मतलब ये कहने की बात नहीं, बैक ऑफ द माइंड हर कोई बंदा चाहता है कि मैं पैसा कमाऊं, हर एक बंदे के ड्रीम्स हैं, पर वो कुछ ड्रीम्स जो हैं वो उसके हालात, उसकी कुछ जो फाइनेंशियल कंडीशंस है उसके नीचे को दब गए हैं। और मोदी केयर में आपको आज जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है, जस्ट आपने क्या करना है, वो दबे हुए ड्रीम्स को अपने निकालना है, उन ड्रीम्स को आपने लिखना है और मोदी केयर को बिल्ड करना है। मैं 101% करता हूँ कि आप इस बिजनेस में अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच,
बैक टू द होस्ट। हाँ जी राहुल जी, बैक टू द होस्ट। राहुल सर आप सुन रहे हो? सो इंद्रजीत सर मैं आपको करता हूँ। जी सर। हाँ जी अनिल चौहान सर आप। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। सो ऑल ऑफ यू, इतनी थी सारी प्रेजेंटेशन और अब हम क्लोज करते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट।